मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो गया है। आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वासुदेव कुटुम्बकम की भावना से काम करने में लगा है। उन्होंने कहा कि आज कई चुनौतियां हैं, भारत विश्व के साथ मिलकर इनसे निपटने में लगा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर प्रवासी भारतीयों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि असुविधा हुई हो तो क्षमा कीजिए। राजधानी भोपाल में करणी सेना परिवार का आंदोलन तेज होता जा रहा है। 3 दिन से भेल इलाके में आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी के पास अभी 15 दिन के राशन का इंतजाम है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस आंदोलन पर कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार को करणी सेना परिवार से बात करना चाहिए, कोई भी बात हो उस पर चर्चा होना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या उनका आक्रोश है, उस आक्रोश को सुनकर जो सही हो वो मानना चाहिए। पीसीसी में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कमलनाथ से जब पूछा गया कि क्या हनी ट्रैप की पेन ड्राइव आपके पास है, इस पर उन्होंने कहा, आप सबसे कहा था कि मैंने पेन ड्राइव देखी है, पुलिस अफसरों ने मुझे दिखाई थी पेन ड्राइव और वो सब तो पुलिस के पास है। मैंने पुलिस से कहा था कि और जांच करो ये सही है या गलत है, क्योंकि आज के दिन कोई कुछ भी बना लेता है। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे मध्य प्रदेश की बदनामी हो, इसीलिए ये जांच में पड़ा था। इसके आगे क्या हुआ नहीं जानता। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनके साथ परिवार के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री प्रधान ने महाकाल लोक की बहुत तारीफ की और कहा कि इससे शहर में आध्यात्मिक वातावरण तो बढ़ेगा ही, साथ में सुविधा भी बढ़ेगी। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार सुबह महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने आरती के बाद धोती 16 पहनकर भगवान महाकाल को जल अर्पण कर देश की प्रगति और विश्व के कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश में नौगांव पचमणी से भी ठंडा रहा। सोमवार रात नौगांव छतरपुर में न्यूनतम पारा 2.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पचमणी में ये 4 डिग्री रहा। दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़त जरूर हुई, लेकिन ठिठुरन अब भी जारी है, रातें सर्द है। प्रदेश के 4 शहरों को छोड़ बाकी 48 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे रहा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी तापमान 10 से नीचे चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।